ओम शांति। आज 8 जनवरी 2021 के मधुर महावाक्य है और आज की मुरली में बाबा विशेष कन्याओं को उठाने के लिए कहते हैं कि ये न्यू ब्लड है और ये न्यू ब्लड के अंदर नशा होना चाहिए। किस बात का? तो पुरानी दुनिया को नया बनाने का, आयरन एजेड दुनिया को गोल्डन एजेड बनाने का नशा होना चाहिए। साथ ही साथ बाबा कहे अपने हम जिन्स को भी जगाना है, और कैसे जगाना है? तो उनको भी मान देना है, लेकिन सच्चा मान देना है, लंगड़ा मान नहीं देना है। साथ ही साथ बाबा कहे ये पढ़ाई रोज पढ़नी है। इस पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट है, ये एम ऑब्जेक्ट को सदा क्लियर रखना है बुद्धि के अंदर और आगे बढ़ते जाना है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम ब्राह्मणों को ही बाप की श्रेष्ठ मत मिलती है। प्रश्न है, जिनका न्यू ब्लड है उन्हें कौन सा शौक और कौन सी मस्ती होनी चाहिए? उत्तर है, यह दुनिया जो पुरानी आयरन एजेड बन गई है उसे नए गोल्डन एजेड बनाने का, पुराने से नया बनाने का शौक होना चाहिए। कन्याओं का न्यू ब्लड है तो अपने हमजिन्स को उठाना चाहिए, नशा कायम रखना चाहिए, भाषण करने में भी बड़ी मस्ती होनी चाहिए। आज का मुरली का गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चों ने इस गीत का अर्थ तो समझा, अभी भक्ति मार्ग की घोर अंधेरी रात तो पूरी हो रही है। बच्चे समझते हैं हमारे ऊपर अब ताज आने का है। यहां बैठे हैं, एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। जैसे सन्यासी समझाते हैं, तुम अपने को भैंस समझो तो वह रूप हो जाएंगे। वह है भक्ति मार्ग के दृष्टांत। जैसे यह भी दृष्टांत है कि राम ने बंदरों की सेना ली। तुम यहां बैठे हो, जानते हो हम सो देवी देवता डबल सिरताज बनेंगे। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो कहते हैं मैं यह पढ़कर डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा। तुम समझते हो इस पढ़ाई से हम सो देवी देवता बन रहे हैं। यह शरीर छोड़ेंगे और हमारे सिर पर ताज होगा। यह तो बहुत गंदी छीछी दुनिया है ना। नई दुनिया है फर्स्ट क्लास दुनिया, पुरानी दुनिया है बिल्कुल थर्ड क्लास दुनिया। यह तो खलास होने की है। नए विश्व का मालिक बनाने वाला जरूर विश्व का रचयिता ही होगा, दूसरा कोई पढ़ा न सके। शिव बाबा ही तुमको पढ़ाकर सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है, आत्म अभिमानी पूरा बन जाए तो बाकी और क्या चाहिए। तुम ब्राह्मण तो हो ही, जानते हो हम देवता बन रहे हैं। देवताएं कितने पवित्र थे, यहां कितने पतित मनुष्य है। शक्ल भल मनुष्य की है परंतु सीरत देखो कैसी है। जो देवताओं के पुजारी है वह खुद भी उन्हों के आगे महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, सोले कला संपूर्ण है, हम विकारी पापी है। सूरत तो उन्हों की भी मनुष्य की है परंतु उनके पास जाकर महिमा गाते हैं। अपने को गंदे विकारी कहते हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है। तो मनुष्य माना मनुष्य,
बाबा का है तो मनुष्य, माना मनुष्य। अभी तुम समझते हो, हम तो अभी चेंज होकर जाय देवता बनेंगे। कृष्ण की पूजा करते इसलिए हैं कि कृष्णपुरी में जाएं, परंतु यह पता नहीं है कि कब जाएंगे। भक्ति करते रहते हैं कि भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। पहले तो तुमको ये निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाते कौन है। यह है श्री श्री शिव बाबा की मत, यह है श्री श्री शिव बाबा की मत। शिव बाबा तुम्हें श्री मत दे रहे हैं। जिनको यह पता नहीं वह श्रेष्ठ बन कैसे सकते। इतने सब ब्राह्मण श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलते हैं। परमात्मा की मत ही श्रेष्ठ बनाती है। जिसकी तकदीर में होगा उनकी बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो कुछ भी समझेंगे नहीं। जब समझेंगे तब खुश हो मदद करने लग पड़ेंगे। कई तो जानते नहीं, उनको क्या पता ये कौन है, इसलिए बाबा कोई से मिलते भी नहीं है, क्योंकि वो साधारण समझ लेते या फिर गुरु समझ लेते, इसलिए बाबा कोई से मिलते भी नहीं है। वह तो और ही अपनी मत निकालेंगे। श्री मत को न जानने कारण उनको भी अपनी मत देने लग पड़ते हैं। अब बाप आए ही है तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए। बच्चे जानते हैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक बाबा आपसे आकर मिले हैं। जिनको पता नहीं है ऐसे रेस्पॉन्ड दे नहीं सकते कि बाबा 5000 साल के बाद आकर फिर से मिले हैं। तो बाबा कहे जिनको पता ही नहीं ऐसे रेस्पॉन्ड दे नहीं सकते। बच्चों को पढ़ाई का बहुत नशा रहना चाहिए। यह बड़ी ऊंची पढ़ाई है, बहुत ऊंच बनाने वाली पढ़ाई। यह बड़ी ऊंच पढ़ाई है, परंतु माया भी बड़ी अगेंस्ट है। तुम जानते हो हम वह पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे हमारे सिर पर डबल सिरताज आना है। ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे हमारे सिर पर डबल सिरताज आना है। भविष्य जन्म जन्मांतर डबल सिरताज बनेंगे, तो इसके लिए फिर ऐसा पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए ना। इसको कहा जाता है राजयोग। कितना वंडर है। बाबा हमेशा समझाते हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, पुजारियों को भी तुम समझा सकते हो। पुजारी भी किसको बैठ समझाए कि इन लक्ष्मी नारायण को भी यह पद कैसे मिला, यह विश्व का मालिक कैसे बने। ऐसे ऐसे बैठ सुनाए तो पुजारी का भी मान हो जाए। तुम कह सकते हो हम आपको समझाते हैं इन लक्ष्मी नारायण को ये राज्य कैसे मिला। गीता में भी भगवान वाच है ना, मैं तुमको राजयुग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूं। स्वर्गवासी तो तुम बनते हो ना, तो बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। हम यह बनते हैं, बल अपना चित्र और राजाई का चित्र भी यहां साथ में निकालो। शुरू शुरू में बाबा ने साधारण पोशाक और राजाई पोशाक वाला चित्र सबका निकाला था, सब दादियों का। नीचे तुम्हारा चित्र, ऊपर में राजाई का चित्र हो। इसमें खर्चा तो नहीं है ना। राजाई पोशाक तो झट बन सकती है, तो घड़ी घड़ी याद रहेगा हम सो देवता बन रहे हैं। ऊपर में भल शिव बाबा भी हो, यह भी चित्र निकालने होंगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो, यह शरीर छोड़ हम जाए देवता बनेंगे। क्योंकि अभी हम यह राजयोग सीख रहे हैं, तो यह फोटो भी मदद करेंगे।
ऊपर में शिव फिर राजाई चित्र, नीचे तुम्हारा साधारण चित्र। शिव बाबा से राजयोग सीख, हम सो देवता डबल सिर ताज बन रहे हैं। चित्र रखा होगा, कोई भी पूछेंगे तो तुम बतला सकेंगे, हमको सिखलाने वाला ये शिव बाबा है। चित्र देखने से बच्चों को नशा चढ़ेगा, बल दुकान में भी ये चित्र रख दो। भक्ति मार्ग में बाबा नारायण का चित्र रखता था, पॉकेट में भी रहता था। तुम भी अपना फोटो रख दो तो याद रहेगा, हम सो देवी देवता बन रहे हैं। बाप को याद करने का उपाय ढूंढना चाहिए, बाप को भूल जाने से ही गिरते हैं। विकार में गिरेगा तो फिर शर्म आएगी, अभी तो हम ये देवता बन नहीं सकेंगे, हार्ट फेल हो जाएंगे। अभी हम देवता कैसे बनेंगे? बाबा कहते हैं, विकार में गिरने वाले का फोटो निकाल दो, बोलो तुम स्वर्ग में चलने लायक नहीं हो, तुम्हारा पासपोर्ट खलास। खुद भी फील करेंगे, हम तो गिर गए, अब हम स्वर्ग में कैसे जाएंगे? जैसे नारद का मिसाल देते हैं, उनको कहा तुम अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो तो शकल बंदर की दिखाई पड़ी, तो मनुष्य को भी शर्म आएगी, हमारे में तो यह विकार है, फिर हम श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को कैसे वरेंगे? बाबा युक्तियां तो सब बतलाते हैं, परंतु कोई विश्वास भी रखे ना। विकार का नशा आता है तो समझते हैं, इस हिसाब से हम राजाओं का राजा डबल सिरताज कैसे बनेंगे? पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। बाबा समझाते रहते हैं, ऐसी ऐसी युक्तियां रचो और सबको समझाते रहो, यह राजयोग की स्थापना हो रही है, अब विनाश सामने खड़ा है। दिन प्रतिदिन तूफान जोर होता जाता है, बॉम्ब्स आदि भी तैयार हो रहे हैं। तुम यह पढ़ाई पढ़ते ही हो किसके लिए? भविष्य उच्च पद पाने के लिए। तुम एक ही बार पतित से पावन बनते हो, मनुष्य समझते थोड़ी है कि हम नरकवासी हैं, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो, तकदीर में होगा तो झट समझेगा, नहीं तो तुम कितना भी माथा मारो बुद्धि में बैठेगा नहीं। बाप को ही नहीं जानते तो नास्तिक है, अर्थात न धनी के है। तो धन का बनाना चाहिए ना, जबकि शिव बाबा के बच्चे हैं। यहां जिनको ज्ञान है वह अपने बच्चों को विकारों से बचाते रहेंगे। अज्ञानी लोग तो अपने मुआफिक बच्चों को भी फंसाते रहेंगे। तुम जानते हो यहाँ विकार से बचाया जाता है, कन्याओं को तो पहले बचाना चाहिए। माँ बाप जैसे कि बच्चे को विकार में धक्का देते हैं, तुम जानते हो यह भ्रष्टाचारी दुनिया है, श्रेष्ठाचारी दुनिया चाहते हैं। भगवान वाच, मैं जब आता हूँ श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए तो सब भ्रष्टाचारी है, मैं सबका उद्धार करता हूं। गीता में भी लिखा हुआ है, भगवान को ही साधु संतो आदि सबका उद्धार करने आना है। एक ही भगवान बाप आकर सबका उद्धार करते हैं। अभी तुम बंदर खाते हो, मनुष्य कितने पत्थर बुद्धि हो जाते हैं। इस समय अगर मालूम हो बड़ों बड़ों को कि गीता का भगवान शिव है तो पता नहीं क्या हो जाए, हाहाकार मच जाए, परंतु अभी देरी है, नहीं तो सबके अड्डे एकदम हिलने लग जाएं। बहुतों के तख्त हिलते हैं ना,
लड़ाई जब होती है तो पता पड़ता है, इनका तख्त हिलने लगा है, अभी गिर पड़ेंगे, अभी यह हिले तो बहुत हलचल मच जाए। आगे चल होने का है, आगे चल ये सब दृश्य देखेंगे। पतित पावन सर्व का सदगति दाता खुद कहते हैं, बरोबर ब्रह्मा तन से स्थापना कर रहे हैं, सर्व की सदगति अर्थात उद्धार कर रहे हैं। भगवान वाच, यह पतित दुनिया है, इन सब का उद्धार मुझे करना है। अभी सब पतित है, पतित फिर किसको पावन कैसे बनाएंगे? पहले तो खुद पावन बने, फिर फॉलोअर्स को बनाएं। भाषण करने में बड़ी मस्ती चाहिए। कन्याओं का न्यू ब्लड है, तुम पुराने से नया बना रही हो। तुम्हारी आत्मा जो पुरानी आयरन एजेड बन गई है, अब नई गोल्डन एजेड बनती है, खाद निकलती जाती है। तो बच्चों को बड़ा शौक चाहिए, नशा कायम रखना चाहिए, अपने हम जिन्स को उठाना चाहिए। गाया भी जाता है गुरु माता, माता गुरु कब होती है सो अभी तुम जानते हो। जगत अम्बा ही फिर राज राजेश्वरी बनती है, फिर वहां कोई गुरु रहता ही नहीं, गुरु का सिलसिला अभी चलता है। माताओं पर बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं। शुरू से ऐसा होता है, शुरू से बाबा ने माताओं बहनों पर ही ये ज्ञान का कलश रखा है। सेंटर्स के लिए भी कहते हैं ब्रह्मा कुमारी चाहिए, बाबा तो कहते हैं आप ही चलाओ। हिम्मत नहीं है, कहते नहीं बाबा टीचर चाहिए। यह भी ठीक है, मान देते हैं। आजकल दुनिया में एक दो को मान भी लंगड़ा देते हैं। कितनी अच्छी बात बाबा ने कही, वास्तविकता दुनिया की, कि आजकल की दुनिया में एक दो को मान भी कैसा देते, लंगड़ा देते हैं। आज प्राइम मिनिस्टर है, कल उनको उड़ा देते हैं। स्थाई सुख किसको मिलता नहीं, इस समय तुम बच्चों को स्थाई राज्य भाग्य मिल रहा है। तुमको बाबा कितने प्रकार से समझाते हैं, अपने को सदैव हर्षित रखने के लिए बहुत अच्छी अच्छी युक्तियां बतलाते हैं। शुभ भावना रखनी है ना, ओहो हम यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। फिर अगर किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करें। बाबा तदबीर तो बतलाते हैं ना, तदबीर व्यर्थ नहीं जाती है। एक बार जो पुरुषार्थ किया है तो बाबा कहे पुरुषार्थ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। बाबा सिखलाते हैं कैसे पुरुषार्थ करना चाहिए, तदबीर माना पुरुषार्थ। तो बाबा कहे तदबीर व्यर्थ नहीं जाती है, यह तो सदा सफल होती है, राजधानी स्थापन हो ही जाएगी। विनाश भी महाभारत लड़ाई द्वारा होना ही है। आगे चल तुम जोर भरो तो ये सब आएंगे, अभी नहीं समझेंगे फिर तो उन्हों की राजा ही उड़ जाए। कितने ढेर गुरु लोग हैं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो किसी गुरु का फॉलोअर न हो। यहां तुम्हें एक सतगुरु मिला है, इसलिए सदगति देने वाला। चित्र बड़े अच्छे हैं, यह है सदगति अर्थात सुखधाम, यह है मुक्तिधाम। बुद्धि भी कहती है हम सब आत्माएं निर्वाण धाम में रहती है। जहां से फिट टॉकी में आते हैं वहां के रहवासी है। यह खेल ही भारत पर बना हुआ है। शिव जयंती भी यहां मनाते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूं, कल्प के बाद फिर आऊंगा। हर 5000 वर्ष बाद
बाप के आते ही पैराडाइज बन जाता है। कहते भी है क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, स्वर्ग था, अभी नहीं है, फिर होना है। तो जरूर नरकवासियों का विनाश, स्वर्गवासी की स्थापना चाहिए। सो तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, नरकवासी सब विनाश हो जाएंगे। वह तो समझते हैं अर्जुन इतने लाखों वर्ष पड़े हैं, बच्चे बड़े हो, शादी कराएं, तुम थोड़ी ऐसे कहेंगे। तुम थोड़ी ऐसा कहेंगे, अगर बच्चा राय पर नहीं चलता है तो फिर श्रीमत लेनी पड़े कि स्वर्गवासी नहीं बनते हैं तो क्या करें। बाप कहेंगे अगर आज्ञाकारी नहीं है तो जाने दो, इसमें पक्की नष्टो मोहा अवस्था चाहिए। बाबा कहे कई बार माता पिता को फील होता है कि हमारे बच्चे विकारों में कैसे जाएं, हम दुनिया को पावन बनाते हैं, उनको हम पतित कैसे बनने दें। लेकिन बाबा कहे जब आज्ञाकारी नहीं है, उनका हिसाब किताब है जो चुकाना ही है, तो जाने दो, लेकिन नष्टो मोहा अवस्था चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लते बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। श्री मत में मन मत मिक्स नहीं करनी है, ईश्वरीय पढ़ाई के नशे में रहना है। दूसरी पॉइंट, अपने हमजिंस के कल्याण की युक्तियां रचनी है। सबके प्रति शुभ भावना रखते हुए एक दो को सच्चा मान देना है, लंगड़ा मान नहीं। आज का बाबा का मधुर वरदान है, रूहानी एक्सरसाइज और सेल्फ कंट्रोल द्वारा, रूहानी एक्सरसाइज और सेल्फ कंट्रोल द्वारा महीनता का अनुभव करने वाले फरिश्ता भव। रूहानी एक्सरसाइज और सेल्फ कंट्रोल द्वारा महीनता का अनुभव करने वाले फरिश्ता भव। बुद्धि की महीनता व हल्कापन ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। महीनता ही महानता है, लेकिन इसके लिए रोज अमृत वेले अशरीरी की रूहानी एक्सरसाइज करो और व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज रखो। परहेज के लिए सेल्फ कंट्रोल हो। जिस समय जो संकल्प रूपी भोजन स्वीकार करना हो उस समय वही करो। व्यर्थ संकल्प का एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो। तब महीन बुद्धि बन फरिश्ता स्वरूप के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। आज का बाबा का मधुर स्लोगन है, महान आत्मा वह है जो हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं। महान आत्मा वह है जो हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं। अच्छा, ओम शांति।